हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी वाला। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो इस साल सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन है, क्या नंबर है उनका, कितने एप्लीकेशन आए, उसके अलावा सबसे ज्यादा किस स्टेट से आए और किस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा है। फिर काफी बच्चों ने फॉरेन से भी अप्लाई किया है, काफी सारी कंट्रीज से जो कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी ये न्यूज है एनडीटीवी की, तो मैं इसको डिटेल में एक बार आपको बता देता हूँ। तो इस साल जो है करीब करीब 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, राइट, लेकिन फी भी पे नहीं किया। कितने लोगों ने, करीब करीब जो है 3 लाख बच्चों ने फॉर्म की फीस नहीं दी या फिर की फाइनल सबमिट नहीं किया, तो उनका तो जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया, राइट। तो टोटल 17 लाख बच्चों ने जो है रजिस्टर किया था, उनमें से अराउंड जो है 14 लाख बच्चों ने जो है फी भी दी है और फाइनल सबमिट किया है, राइट। लास्ट ईयर करीब 9.9 लाख था, मतलब कि 10 लाख, तो इस बार जो है 4 लाख स्टूडेंट ज्यादा अपीयर होंगे। तो इस वजह से ये जो है इंडिया का सेकंड रैंक पे आने वाला एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। सबसे ज्यादा किसमें आते हैं, नीट वाले में, नीट यूजी में, और इसमें जो है सेकंड नंबर पे पहुंच गया ये लॉन्च के दूसरे साल ही। इस बार दूसरी बार हो रहा है, पहली बार तो 41% इंक्रीज हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सीयूईटी के लिए फॉर्म फिल किया हो। सो इन द डेब्यू एडिशन 12.5 लाख आए थे, उनमें से करीब 10 लाख लोगों ने फिर फाइनल जो है सबमिट किया हुआ फी पेमेंट किया हो। सबसे ज्यादा देखो नीट यूजी के लिए आते हैं, कितना है, ऑन एन एवरेज 18 लाख एप्लीकेशन आते हैं नीट यूजी में। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर सीयूईटी हैज बीन रिसीव्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने वहां मेंशन किया होगा ना कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो सबसे ज्यादा डीयू के लिए, उसके बाद बीएचयू और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे आई है। ये है एप्लीकेशन का टोटल डेटा के अकॉर्डिंग। फिर अमंग द एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स जो यानी कि मैक्सिमम है वो है उत्तर प्रदेश से, सबसे ज्यादा बच्चे जो एग्जाम देने वाले वो यूपी से है, उसके बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी दिल्ली से, और उसके बाद बिहार के बच्चे हैं। तो ये रैंक हो गया उन स्टेट का कि जिनसे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए। तो अभी वी हैव ऑल्सो सीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर कितनी थी, 90 थी, इस बार अभी एक आध महीने पहले तो 200 ही थी, अब कितना पहुंच गया, 242 यूनिवर्सिटीज हैं सीयूईटी यूजी के थ्रू जो एडमिशन दे रही है आपको, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हो गए। तो दिस सिग्निफिकेंट राइज इंडिकेट्स दैट सीयूईटी यूजी इज बिकमिंग अ पॉपुलर ऑप्शन फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और देर इज अ कंसिडरेबल जंप इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से भी काफी ज्यादा बच्चे आने लगे हैं। इन 2022 टोटल करीब 13,000 स्टूडेंट ने सीयूईटी के लिए फॉर्म भरा था, कहां से, जम्मू एंड कश्मीर से। इस बार कितने बच्चों ने, 82,655, करीब करीब 6.3 गुना ज्यादा बच्चों ने जम्मू एंड कश्मीर से अप्लाई किया है सीयूईटी एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम 59 कंट्रीज सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर सीयूईटी यूजी, इस बार 74 कंट्रीज से बच्चों ने अप्लाई किया है। टोटल 1000 स्टूडेंट्स के अराउंड है वो बच्चे, और कहां कहां से, लाइक यूरोप, एशिया, अमेरिका एंड गल्फ कंट्रीज से। सो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन वॉज March 30, the exam is scheduled to be conducted from May 21st to May 31st. तो ये हमारा जो है कंप्लीट न्यूज का डेटा है कि कितने बच्चों ने और कहां से कौन ज्यादा है, कितना क्या, कौन सा यूनिवर्सिटी, वो सारा डेटा था। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।